हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हमें पता है, कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस जैसी फैसिलिटी देने के लिए ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूवी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका जो रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो होता है 200 से 800 एनएम, और एक एनएम बराबर होता है 10^-9 मीटर और 10^-7 सेंटीमीटर। जो अवरक्त स्पेक्ट्रम होती है, उसकी रेंज होती है 0.8 से 200 माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर होता है 10^-6 मीटर और 10^-4 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग वेव नंबर में बात करें, तो इसकी रेंज होती है 50 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अवशोषण नियम। अवशोषण नियम में दो नियम हैं, लैम्बर्ट नियम और बियर नियम, और दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं तो बियर लैम्बर्ट नियम। सबसे पहले बात करते हैं लैम्बर्ट नियम की। लैम्बर्ट नियम क्या कहता है? जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम में से एक वर्णी मीन्स मोनोक्रोमेटिक लाइट का पुंज गुजारा जाता है, तो अवशोषक माध्यम की मोटाई dx के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी dI आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। मीन्स -dI/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है, वो विकिरणों की तीव्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा कि जब हम लोग आई को यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, -dI/I इक्वल्स टू kdx। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का आई बराबर आई नोड से आई टी की सीमा में तथा एक्स बराबर 0 से एक्स की सीमा में समाकलन करने पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसका जो समाकलन होगा वो होगा ln IT/I0 इक्वल्स टू -kx। और इसको अगर हम लोग log में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या लिखेंगे, 2.303 log IT/I इक्वल्स टू -kx। log IT/I0 = -kx। जब हम लोग 2.30 को इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा log IT/I0 = -k/2.303x। और हम लोग यहाँ पे अगर इसको पूरे को कांस्टेंट मान लें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log IT/I0 = -ax। और जो a है वो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो k/2.303 के इक्वल होती है। अब हम लोग बात करते हैं बियर नियम की, और जब दोनों को एक साथ मर्ज कर देंगे, तो हम लोग इसे बोलते हैं बियर लैम्बर्ट नियम। बियर लैम्बर्ट नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी एक वर्णी प्रकाश के पुंज को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को, किसी अवशोषक माध्यम से गुजारने पर अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। अर्थात जो आई था उसके साथ सी अर्थात सांद्रता भी जुड़ जाएगी। तो हमारा नियम क्या बन जाएगा बियर लैम्बर्ट, DI/DX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IC। और जब प्रोपोर्शनल को उठाएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, k डैश एक कांस्टेंट है, आई जो है आपतित विकिरणों की तीव्रता है, और जो सी है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग इस आई को इधर लेके जाएं, तो क्या लिख सकते हैं, DI/I = -k-CdX। इसको दे देंगे हम लोग समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 का आई नोड से आई टी व एक्स बराबर एक्स की सीमा में समाकलन करने पर,
समाकलन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसको दिस टाइप। जब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, एल एन आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश सी एक्स। और जब एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश सी एक्स। जब हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश 2.303 सी एक्स। और इस पूरे को अगर हम लोग एक कांस्टेंट मान दें तो इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन। हमारा जो फाइनल इक्वेशन 9 बन गई वो क्या बन गई, लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन सी एक्स, इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 9 में जो एप्सिलॉन है वो किसके इक्वल होगा, के डैश अपॉन 2.303। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं मोलर विलोपन गुणांक, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशियंट इंग्लिश में, या मोलर अवशोषकता भी कहते हैं। यदि अब अगर हम लोग किसी विलयन की सांद्रता ले लें 1 ग्राम मोल और उसकी माध्यम की जो मोटाई है वो ले लें 1 सेंटीमीटर, तो समीकरण 9 से क्या बन जाएगा, लॉग आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन। और यहाँ पे जो लॉग आई टी अपॉन आई नॉट है उसको बोलते हैं अवशोषणांक। तो हम लोग ये कह सकते हैं समीकरण 9 से कि मोलर विलोपन गुणांक या मोलर अवशोषकता मीन्स एप्सिलॉन जो है वो 1 ग्राम मोल सांद्रता वाले विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न अवशोषणांक के बराबर होता है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बियर लैम्बर्ट नियम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के बारे में। ठीक है, ओके।